प्रिंसिपल इंचार्ज जेएनयू सिपाही आला, आप सभी मीडिया पर्सन का हमारे विद्यालय की तरफ से, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी एग्जाम है जेएनयूएसटी 2021 वो 11 अगस्त को होने जा रही है उसके संबंध में है। इसके लिए हमने डीएम मैडम से और डीओ जो सर हैं उनसे मीटिंग हमने की है, तो वो सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। डीएम मैडम ने हमें एश्योर किया है कि हर तरह की सहायता की जाएगी और मुझे विश्वास है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर के हम ये काम अच्छी तरह से करेंगे। इसके लिए जो परीक्षा है इसके एडमिट कार्ड जो पहुंचाने हैं उसके सामने मुझे बताना है कि मेरे टीचर्स ने मिलकर के सारे एडमिट कार्ड हमने निकाल लिए हैं और दिनांक 31 जुलाई तक मैं कोशिश करूंगा कि हर विद्यालय में जहां बच्चा पाँचवीं क्लास में पढ़ता था उस विद्यालय के हेडमास्टर को हम वो एडमिट कार्ड हैंडओवर करेंगे। और हमारे ऑनरेबल डीओ सर ने बताया है कि वो उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो हेडमास्टर हैं वो पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट करके अपने टीचर की सहायता से सभी एडमिट कार्ड विद्यार्थी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मुझे पता है इस कोविड सिचुएशन में हर बच्चे से उसके पेरेंट्स से एडमिट कार्ड निकालना थोड़ा मुश्किल है, कैफे में जाना और दिन में थोड़ा सा दिक्कत भी आती है। इसीलिए हम सारा काम नवोदय विद्यालय की तरफ से करके और हर बच्चे को एंश्योर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हर विद्यार्थी को फ़ोन करके भी पूछा जाए कि आपके पास एडमिट कार्ड पहुंच गया है क्या। हमारा सबसे पहला काम है कि मेरे प्रत्येक विद्यार्थी जो जेएनयूएसटी 2021 एग्जाम में भाग ले रहे हैं 11 अगस्त को जो होनी है उनके पास एडमिट कार्ड पहुंचना हम सुनिश्चित करेंगे। एडमिट कार्ड पहुंचने के बाद में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है एडमिट कार्ड में तो वो एक हमारी मेल है स्कूल की jnvsipahijala@gmail.com, उसके ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं या कुछ चेंज करना हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। या एक फ़ोन नंबर भी है जो हमारे जर्नलिस्ट इंचार्ज हैं 7005170244, इसमें आप फ़ोन करके भी बता सकते हैं हमारे जर्नलिस्ट इंचार्ज को। हमारे जो कुल जर्नलिस्टी 2021 एग्जाम में पार्टिसिपेंट जो है हमारे बच्चे वो है हमारे पास 769 और उसमें हमारे तीन सेंटर हैं HS स्कूल विशालगढ़ 323 323 बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल मेलागढ़ 292 बच्चे हैं हमारे हैं स्टूडेंट्स में हैं, और तीसरा सेंटर HD मेमोरियल स्कूल जमपुजला है जहां पर 154 हमारे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम देंगे। तो इस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय सिपाहीजाला में 769 बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था जो जेएनयूएसटी 2021 जो 11 अगस्त को एग्जाम होनी है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप एडमिट कार्ड के लिए परेशान न हो, एडमिट कार्ड आपको उसी स्कूल में मिलेगा जहां पर आपका बच्चा पांचवी क्लास में सत्र 2020-21 में पढ़ता था। उन हेडमास्टर को मैं आपका एडमिट कार्ड भेजूंगा तो आप वहां से उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी एग्जाम सेंटर हैं वो तीन सेंटर हैं, उस सेंटर पर आपको कोई भी एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि एंश्योर करेंगे आप 11 अगस्त को 10:30 से पहले आप वहाँ सेंटर पर अपने बच्चे के साथ पहुँच जाएं। जो कोविड-19 का ये हमारा वातावरण है इसके लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करें तो टाइम पर पहुँचना ज़रूरी है। हर बच्चा मास्क पहन के आएगा और 50 ml तक की जो ट्रांसपेरेंट बोतल है वो सैनिटाइजर की ला सकता है, वाटर बोतल ले जा सकता है। एडमिट कार्ड के बिना कोई एंट्री नहीं होगी एग्जाम सेंटर में और बच्चा सिर्फ जो है वो अपना
ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो है वो यूज करेगा। जब आप एग्जाम सेंटर में घुसेंगे तो वहां पर हमने डीएम मैडम को बोल के और जो हमारे सीएमओ सर हैं उन्होंने कहा है मेडिकल टीम हमारे पास होगी, बच्चे का टेम्परेचर हम चेक करेंगे, सैनिटाइज भी करेंगे और एग्जाम से पहले तीनों सेंटर को सैनिटाइज किया जाएगा और हर कमरे में हमने जैसा इंस्ट्रक्शन मिला है सीबीएसई से कि 12 विद्यार्थी 12 कैंडिडेट एक कमरे में बैठेंगे। एंट्री के बाद में हमारी एग्जाम 10:45 पर इमीडिएट क्लास में जाएगा अपने रूम में। 10 बजे जो स्टूडेंट है वो अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाएगा। 11:15 11:15 AM ट्यूशन पेपर उसको दिया जाएगा। कैंडिडेट को चेक ट्यूशन पेपर में 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चंस जिसमें 40 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के जो 50 नंबर के होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे। सभी को तीनों पार्ट कंप्लीट करने हैं क्योंकि हर पार्ट में क्वालिफाई करना जरूरी है। आपको 15 मिनट पढ़ने का दिया जाएगा 11:15 AM से 11:30 AM तक। 11:30 होते ही बेल बजेगी, हर आधा घंटे में एक बेल होगी। इनविजिटर भी जो आपका होगा आपको इन्फॉर्म करेगा सभी को। कुछ इंस्ट्रक्शन हमने दे रखा है वो सारे इंस्ट्रक्शन विद्यार्थी अपना पढ़ करके उसी हिसाब से कोविड सिचुएशन में एग्जाम देनी है। मुझे विश्वास है कि जितने विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है उनके पास एडमिट कार्ड पहुंचाना हम सुनिश्चित करेंगे हर हालत में। और वहां पर हमारे एसपी सर से भी बात हुई है, हमने लेटर भी दिया है कि पुलिस का बंदोबस्त भी होगा। पूरे जेएनयूनिवर्सिटी एग्जाम जो है ये हमारे जो टेम्परेरी साइट में चल रहा है बहुत जल्दी ही परमानेंट साइट में हम शिफ्ट हो जाएंगे। 21 में फार्म निकलेंगे, एक आइडिया है। पिछली बार दिसंबर तक 3072080 एक बार दोबारा 9530720840 आप कभी भी मेरे पास प्रिंसिपल इंचार्ज जेएनवी सिपाही जला त्रिपुरा।